मेरे आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी मॉर्निंग का समय है, तो मैंने कल ही पेपर में पढ़ा कि हमारे सिमरिया हनुमान मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले गुरु जी आने वाले हैं। तो मैंने भी सिमरिया मंदिर जाने का मन बनाया और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग शहर की ओर जाने लगते हैं और देखते हैं भाई क्या भीड़ होती है दोनों तरफ। और भाई ये सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री का वेट कर रहे हैं जो सेनाई लॉन से निकलने वाले हैं और दर्शन के लिए वेट कर रहे हो। और हम भी आगे जाके अपनी गाड़ी को विराम देते हैं और साइड में लगाते हैं। आखिरकार एक घंटे की तपस्या के बाद हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन होते हैं और उन्हें के दर्शन प्राप्त करके हम उसके बाद हम लोग भी निकलते हैं। मेन रोड में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से हम अपना रास्ता स्वयं ही बनाते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं और रोड के जस्ट साइड से जो भीड़ होती है, जगह होती है खाली, वहाँ से शॉर्टकट रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या गाड़ी लगी हुई है। एक गाड़ियों का पहाड़ खड़ा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही है। पूरे दूर तक देखो आप, पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां लगी है। और वो सामने जो दिख रहा है वो मेन रोड है जहां पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा अधिक है, तो लोगों ने एक साइड रास्ता बना करके आगे की ओर आ रहे है। तो भाई लोग फाइनली हम पंडाल तक पहुँच गए हैं। ये है पंडाल। तो भाई लोग फाइनली हम पंडाल के जस्ट सामने पहुंच चुके हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और काफ़ी मात्रा में भीड़ है और पब्लिक इकट्ठी हुई है। आप देख सकते हैं इतनी सारी भीड़ हो गई है कि पंडाल के अंदर जगह नहीं है और लोग बाहर खड़े हुए हैं। और जो वो दिख रहा है आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, वहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं और प्रोजेक्टर में भर दिखाई दे रहा है, वैसे ही तो दिखाई नहीं दे रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो भाई लोग आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। पंडाल में जगह ना होने के कारण सारे लोग बाहर ही खड़े हैं। और तो भाई शाम के 6 बज चुके हैं और हम मंदिर की ओर जा रहे हैं और चलो चलते हैं। ये है सिमरिया का हनुमान मंदिर और ये है 51 फिट की मूर्ति। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।